तो बच्चों तैयारी हो जाइए, आप एक ऐसे मैकेनिक को जानकारी लीजिए जिन्होंने आज के समय में बहुत ही अच्छा स्केल का खोज किया है जो हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में जानिए। क्या है आप लोग जानते होंगे फारेनहाइट के नाम से, फारेनहाइट के बारे में जानिए उसका विशेष जानकारी क्या है। सब प्रथम तो ये जान लीजिए इस वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम हो गया डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। क्लियर, नाम याद, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ये पोलैंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म यानी बॉर्न यानी 24 मई 1686 को पोलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी डाइड 16 सितंबर 1736 ईस्वी में हुआ था। ये स्केल का निर्माण सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में मर्क्यूरी थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस स्केल को डेवलपमेंट किया गया और डेवलपमेंट करने के बाद में 1724 ईस्वी में 1724 ईस्वी में फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल के नाम से कि सर्वप्रथम 1717 में इस स्केल का नाम क्या था, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर याद कर लेना, यदि क्वेश्चन से आता है तो बेहिचक आँख मूंद करके टीके मार देना है। 1717 ईस्वी में जो स्केल उस समय में मर्क्यूरी थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन यही मर्क्यूरी थर्मोमीटर 1724 ईस्वी में फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। ठीक है बच्चों, इस स्केल में विशेषता क्या है, अगली विशेषता क्या है कि ये स्केल 0 से लेकर के 180 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और एक पार्ट का वैल्यू, ईच पार्ट्स ऑफ वैल्यू 1 डिग्री फारेनहाइट है। क्लियर, अब आते हैं लिक्विड का, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फारेनहाइट। यदि से सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आप बेहिचक बता सकते हो। ठीक, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मेरा वीडियो मेरा क्लास आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।